नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। खबर नसरुल्लागंज से है। अतिथि शिक्षकों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन, जिसमें कहा गया कि शिक्षा विभाग के द्वारा 12,000 अतिथि शिक्षकों को हटाकर नए शिक्षकों को भर्ती दी जा रही है, जिसमें लगभग 14 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों पर आर्थिक संकट मंडरा गया। हमारी सरकार से मांगे कि हमें हरियाणा एवं दिल्ली की तर्ज पर नियमित किया जाए, वहीं जितने भी अतिथि शिक्षकों को बाहर किया है उन्हें पुनः वापस लिया जाए और गुरुजियों की तरह परीक्षा लेकर उन्हें नियमित किया जाए, वहीं सेवा 62 वर्ष की आयु तक नियमित की जाए। अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को 7 दिन में पूरा नहीं किया गया तो हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नसरुल्लागंज से एमपी न्यूज के लिए फिरोज खान की रिपोर्ट। करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। हर जोर जुर्म की टक्कर में हर जोर जुर्म की टक्कर ये तो वहाँ से हटा दिए, वो सारे साथी उसमें बाहर हो गए। 14 साल होटल अपडेट नहीं कर रहे आगे जाओ आगे जाओ सर, जो अतिथि 10-12 परमानेंट इनको करके कोई वेतन दे दे तो उसकी तनख्वाह हम जो दे ही रहे और हमको तो कम ही दे दे, ज्यादा भी नहीं चाहिए, हम भी दे दे, कम ही कोई दे दे, बहुत है।